हेलो सो इन दिस वीडियो वी विल सी अबाउट द टॉपिक विच इज़ अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी क्या होती है कैसे अराइज करती है सो बेसिकली यहाँ पे हम तीन डिफरेंट पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड किया है अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन तो डेफिनेशन क्या कहती है अनसर्टेनिटी इज़ डिफाइंड एज द लैक ऑफ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दैट हेल्प्स टू फाइंड द करेक्ट कंक्लूजन मतलब कि आपके पास नॉलेज पूरी नहीं है किसी डोमेन की इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है किसी डोमेन की तो आप एग्जैक्ट या करेक्ट करेक्ट कंक्लूजन कैसे ड्राइव करोगे सो दैट इज़ अनसर्टनिटी अब अनसर्टनिटी होने के सोर्सेज क्या क्या हैं सो अनसर्टन अनसर्टिनिटी होने के कुछ सोर्सेज हैं सबसे पहले अनसर्टेन इनपुट्स अनसर्टेन नॉलेज एंड अनसर्टेन आउटपुट्स अनसर्टेन इनपुट्स में आता है बेसिकली डेटा के ऊपर बात होती है डेटा आपका मिसिंग है मिसिंग डेटा या डेटा में कुछ आपके अलग से भी कुछ डेटा है कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको हमें उस डोमेन से रिलेट नहीं कर सकते जिसको हम जनरली बोलते हैं नॉइज़ी डेटा कुछ इलिवेंट डिटेल्स हैं आपके डेटा के अंदर देन द सेकेंड इज अनसर्टेन नॉलेज अनसर्टेन नॉलेज में क्या आता है सबसे पहला मल्टीपल कॉजेस लीड टू मल्टीपल इफेक्ट्स Multiple causes leads to multiple effects. ठीक है मतलब अगर आप आपके मल्टीपल कॉजेज हैं किसी चीज के मल्टीपल कॉजेज हैं तो उसके मल्टीपल इफेक्ट्स भी होंगे तो बेसिकली आपकी जो नॉलेज है वो अनसर्टेन होगी कि एक पॉइंटर नहीं है कि ये होने से ये होता है ठीक है देन इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ डोमेन या फिर उस डोमेन में क्या कैजुअलिटी होती है अगर हम स्पेसिफिक जाएं सो इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ कैजुअलिटी इन द डोमेन सो दैट कम्स अंडर अनसर्टेन नॉलेज देन अनसर्टेन आउटपुट्स डक्शन एंड इंडक्शन आर इनहेरेंटली अनसर्टेन सो ये दो तरीके के आउटपुट हैं जो बेसिकली अनसर्टेन होते हैं अबडक्शन एंड इंडक्शन देन इसी तरह से डिफॉल्ट रीजनिंग इज अनसर्टेन एंड इनकंप्लीट डिडक्शन और इन्फ्रेंस कैन बी अनसर्टेन सो अगर आप सारे सोर्सेज ऑफ अनसर्टनिटी को ध्यान से देखोगे तो बेसिकली इसमें जो बात हो रही है वो हो रही है इनकम्प्लीटनेस की डेटा आपका इनकंप्लीट है ठीक है सो देट इज दोर्सेस अब अनसर्टिनिटी मे बी कॉज बाय प्रॉब्लम्स विद डेटा जैसे हम डेटा की बात कर करें तो हम डेटा को थोड़ा डिटेल में देख रहे हो कि डेटा इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ एनी नॉलेज बेस सो डेटा में कैसे अनसर्टिनिटी हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं डेटा में जिससे अनसर्टिनिटी होती है सबसे पहला मिसिंग और अनअवेलेबल डेटा डेटा है ही नहीं तो आप नॉलेज बेस क्या बनाओगे सो मिसिंग और अनअवेलेबल डेटा सेकेंड अन रिलाल और एम्बी्य डेटा डेटा तो है बट उसकी रिलाएबलिटी का कुछ नहीं पता वो एम्बीग्यूस है सोर्स की कुछ रिलायबिलिटी नहीं है सो so, ऐसे डेटा को भी हम सर्टन नहीं मान सकते अनसर्टनिटी होती है थर्ड इम्प्रिसाइज और इनकन्सिस्टेंट रिप्रजेंटेशन ऑफ डेटा डेटा को सही से रिप्रजेंट नहीं किया हुआ डेटा की कंसिस्टेंसी ऑफ रिप्रजेंटेशन सही नहीं है सो so, दैट

कि आपने गैस कर लिया या चलो ये डेटा हो सकता है या ऐसे हम इसको कर सकते हैं या आपने कहा कि ये तो ऐसे ही होता है सो दे ऑल्सो बिकम प्रॉब्लम सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ अनसर्टेनिटी बेसिक इंट्रोडक्शन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच टूटोरियल थैंक यू